कॉल को इसलिए लिए जो ना चूकि इज़ वेरी क्लोज़ टू द नेचर एंड यू कैट टू कैट अप इन द मॉर्निंग एंड ऑल्सो कैट टू सी द सनराइज और पक्षियों की आवाज़ हाँ मैंने चैलेंज जरूर फेसेस किया है सुनने में शुरू में दिक्कत आई थी मतलब पहले मैं जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलती थी तो मुझे उसकी एक्शन समझ नहीं आती थी वेलकम टू फिट इंडिया चैंपियंस पॉडकास्ट पावर्ड बाय गोकी जहां मैं आपकी होस्ट एकता विष्णुई ऐसे फिट इंडिया चैंपियंस से आपकी मुलाकात कराती हूं जिनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटीज न सिर्फ एथलीट्स को बल्कि सभी भारतीयों को प्रेरित करती है ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी से आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूं जो बचपन से ही हियरिंग इंपेयर्ड होने के बावजूद एक इंटरनेशनल वॉल्फर बनी यही नहीं हिस्ट्री में वो पहली ऐसी गोल्फर बनी है जिन्होंने भारत को ओलंपिक्स और डेफ ओलंपिक्स दोनों गोल्ड मेडल भी जीता है यह एथलीट लेडीज यूरोपियन टूर जो कि इंटरनेशनल गोल्फ का एक प्रेस्टीजियस स्पोर्टिंग इवेंट है इसमें भारत का सबसे कम उम्र की विजेता रही है स्पोर्ट्स में उनकी जर्नी

उनके पैशन उनके जुनून उनके डेडिकेशन और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है स्वागत है आपका दीक्षा फिट इंडिया चैम्पियंस पॉडकास्ट में थैंक यू शुरुआत करते हैं दीक्षा आपके बचपन से हमने सुना है जब आप 9 से 10 साल की थी तो 50 मीटर स्विमिंग पूल के 9 40 से 50 लैप एक साथ मार लेती थी फिर स्विमिंग छोड़कर ये गोल्फ कैसे चुना आपने एज ए प्रोफेशनल कैरियर पहले मैं सारे स्पोर्ट्स खेलती थी चुकी आर्मी एनवाइ दैट आई हैड टू टू सो मेनी स्पोर्ट्स ट्राई टेनिस भी खेलती थी स्विमिंग हॉर्स राइडिंग शूटिंग सारा खेलती थी चूंकि मुझे खेलने का बहुत शौक था जो स्विमिंग में जो मैं फिफ्टी लेंथ जो लगाती थी ये पापा मैं आइसक्रीम के लिए करती थी पापा बोलते थे ये आपको इतने लेंथ लगाने पड़ेंगे तब जाके आपको ये वाली आइसक्रीम मिलेगी तो मिलती थी आइसक्रीम खाने के हा, लिए हा, हा. तो फिर ये सब स्विमिंग टेनिस आपने बोला आप हॉर्स राइडिंग करती थी टेनिस खेलती थी फिर गोल्फ को एज ए प्रोफेशनल कैरियर क्यों चुना किसी और स्पोर्ट को क्यों नहीं कॉल को इसलिए चुना चू किस वेरी क्लोज टू द नेचर एंड यू कैट टू कैट अप इन द मॉर्निंग एंड ऑल्सो कैट टू सी द सनराइज और पक्षियों की आवाज़ इतना अच्छा लगता है कि इसलिए कॉल को चुना कि चूँकि मैं आई वॉन्ट टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड एंड सी तो स यस नेचर भी बहुत पसंद है ये मुझे पसंद है। अच्छा और दीक्षा हमने सुना कि आपको जब छः साल में या पाँच साल में आपका कॉकलियर इम्प्लांट हुआ उससे पहले आप ना बोल सकती थी ना सुन सकती थी मुझे इतना याद नहीं है चूँकि मैं उस टाइम बहुत छोटी थी तो जब मुझे कोकलीम प्लान्ट मुझे मिला था तो मुझे पता चला कि मे बी आई वोश डिफरेंट फ्राम अदर्स मुझे सुनने की प्रॉब्लम थी पर मैंने इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया चूँकि एक्सेप्टेंस वोस दिया चूँकि मुझे इतना बुरा नहीं लगा क्योंकि माई पेरेंट लव वो वेरी अनकंडीशन टू वर्ड्स टू मी तो शायद उसी की वजह से मुझे उससे ताकत मिली मतलब कुछ चैलेंजेस आपको लगे अपने स्कूल डेज में या एज ए प्रोफेशनल करियर में बिकॉज ऑफ दिस हयरिंग इशूज हाँ मैंने चैलेंज जरूर फेस किया है सुनने में शुरू में दिक्कत आई थी मतलब पहले मैं जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलती थी तो मुझे उसकी एक्शन समझ नहीं आती थी नाउ वॉट हैपन इज आफ्टर द फ्यू ईयर्स एंड टॉकिंग टू लॉट ऑफ पीपल एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वट दे आर सींग सो आई फील आई एम इम्प्रूविंग मच अलॉट मतलब कि बात करके मतलब कि इतना आई रियलाइज कि जितना ज़्यादा सुनोगे जितना ज़्यादा बातें करोगे तो हियरिंग मेरा इम्प्रूव हो जाएगा बहुत अच्छा और स्कूल डेज का कुछ याद है कि स्कूल में कुछ आपको कुछ अलग लगता था बाकी बच्चों से या क्या एक्सपीरियंस रहता था स्कूल में हाँ अलग तो लगता था जब मैं स्कूल जाती थी जब जो टीचर पढ़ाती थी समझाती थी मुझे समझ नहीं आता था पता अट आईम वेरी लक्की टू हैव अ फ्रेंड मेरा क्लासमेट मेरा जो पार्टनर दे वुड हेल्प मी मुझे समझाएँ कि टीचर ने ये बोला था ये होमवर्क वगैरह ये करना है और एग्जाम ये आपके आएंगे hmm. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैट आपके फादर एक मिलिट्री ऑफिसर हैं तो मिलिट्री बैकग्राउंड में नेचुरल है कि आपका एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन ट्रांसफर होता रहता है तो क्या वो जो रीलोकेशन आपका बार बार हुआ वो कैसे आपको एक्सपीरियंस रहा उसका आपको पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा या फिर हर जगह नए दोस्त बनाना नए स्कूल जाना ये आपको पसंद नहीं आया uh, वैसे मोस्ट मैक्सिमम टाइम आई हैव स्पेंड इन टेली जब मेरी टैड के बाहर पोस्टिंग होती थी तो मैं टेली में रहती थी एंड आई यूज टू मिस माई फादर की पापा कपाओ के छुट्टी ले लो जल्दी आ जाओ जब मेरे स्कूल की छुट्टियाँ होती थी फिर मैं पापा के पास जाया करती और मैं एक्साइटेड हो जाया करती कि नई जगह है मैं देखने जा रही हूँ कैसा एनवायरमेंट होगा वहाँ पे। तो पापा मुझे नई चीज़ें नई जगह दिखाते थे तो मुझे अच्छा लगता है कि आर्मी में कहीं पे भी पोस्टिंग आप जगह देखते हो तो काफ़ी अच्छा फील होता है फिर मैं अभी प्रोफेशनल कॉल फर हूँ मैं और इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी खेलती हूँ आई वुड प्रेफर माई फादर टू स्टे विथ मी क्योंकि सारा टैली में सारा वीज़ा पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा टेली में होता है सो इट्स वेरी इजी कन्वीन की टैली में रहना सारा काम हो जाता है स्कूल की कोई शैतानी याद है कि दीक्षा एक सीधी लड़की थी कि शैतान बच्ची थी स्कूल में हाँ हाँ कभी टीचर मैं... से डांट पड़ी हो कुछ बदमाशी करने पर हाँ हाँ लेकिन मैं इतना नोटिस स्टूडेंट नहीं थी वो इज़ वेरी मच डिसिप्लिन मैं टीचर्स को रिस्पेक्ट करती थी हाँ, लेकिन माई फ्रेंड वो डेफिनेटली ट्रैक मीन टू सम प्रैंक किया जैसे मेरी फ्रेंड बोलती थी चल टीचर को ये छूट बोलना कि ये करते हैं और हम पंक करते हैं मतलब क्लास से भाग जाते हैं हम क्लास वापस तो नहीं जाएँगे हमें टीचर पसंद नहीं है तो हम वॉशरूम जाते हैं तो उधर घूमते हैं और मैं स्कूल ट्रिप पे भी गई हूँ रंधमपुर वो मेरा बेस्ट ट्रिप था जब मैं फिफ्थ क्लास में थी मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ गई थी और मैंने वो टाइगर और ये जो देखा था सब कुछ और आपके इस प्रोफेशनल uh, करियर में आपका परिवार का कैसे सपोर्ट रहा स्पेशली आपके पिता का आपकी माता का कैसे सपोर्ट रहा आपके काफ़ी सपोर्ट रहा लाइक विदाउट योर फैमिली सपोर्ट मतलब कि आप इतना कुछ अचीव नहीं कर सकते अकेला इंसान कुछ अचीव नहीं कर सकता आपको सपोर्ट चाहिए होता है वो भी ज़रूरी है और मम्मी ने मुझे बहुत साथ दिया है खाने पीने का खान पी दिया है और पापा ने मेरा कॉल खेलना पापा मुझे बताते थे कि इतने घंटे प्रैक्टिस करना है टाइम से सोना है और मम्मी मेरे पीछे पड़ती थी कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो वो तो कॉल खेलो लेकिन पढ़ाई करो पापा बोलते थे कि ज़्यादा स्ट्रेस मत लो कॉल आपको पसंद है कॉल खेलो बस तो पापा की बात ज़्यादा अच्छी लगती होगी हाँ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती थी क्योंकि पापा जिस तरह से बात करते थे यू इंश्योरेंस मिलता था कि हाँ मेरे ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है तो मैं आराम से अच्छे से इंजॉय करके कॉल खेल सकती, सकती। हूँ गोल्फ के बारे में आगे बात करेंगे लेकिन दीक्षा आम आदमी को गोल्फ़ के बारे में बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता है तो हमें बताएंगे कि गोल्फ़ कोर्स क्या होता है गोल्फ रेंज क्या होती है चिपिंग क्या होती है पटिंग क्या होती है और कैसे हम गोल्फ़ में अपना जो स्कोर है वो कैसे देखते हैं मैंने यही बात मैंने अपने फ्रेंड को समझाने की कोशिश की गोल्फ ऐसे उठता है लेकिन उनको समझ नहीं आए जब तक आप उसको कॉल्फ कोर्स पे नहीं लेके जाओगे आप उसको मारना नहीं सिखाओगे तो उसको कॉल समझ कैसे कॉल्फ एक तरह से इट इज़ अ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पोर्ट्स और कॉल्फ कोर्स एक जैसे नहीं होते हैं जैसे टेनिस में कोर्ड एक जैसे होते हैं हार्ड कोर्ड कॉल्फ इज वेरी मच डिफरेंट तो गोल्फ कोर्स और रेंज में क्या फ़र्क है गोल्फ कोर्स इट इज़ अ एच राउंड की दैट इज और रेंज पे हम प्रैक्टिस करते हैं पोल मारना वो कोर्स पे खेलते हैं तो कंपटीशन वही से स्टार्ट होता है और एटीन होल्स का कल्फ कोर्स होता है और अलग अलग टाइप के होल होते हैं जैसे ही पार फाइव होते हैं पार फोर होते हैं पार थ्री होते हैं जैसे ही अगर पार फाइव होता है तो एक होल में आपको पाँच ही करने हैं नंबर ऑफ स्ट्रोक्स लेने हैं अगर आपने पाँच से कम किया है टैन इज़ वेरी गुड और वैसे टोटल तो पाँच मैक्सिमम आप उसमें ले सकते हैं। मैक्सिमम करना है अगर आपने फाइव से ज़्यादा किया है तो सिक्स उसको बोलते हैं पोगी और टोटल एटीन होल का स्कोर होता है सेवेंटी टू पहले किसी को पता नहीं था कि लोग सोचते थे कि जब मैं बहुत छोटी थी तो खेलना स्टार्ट भी किया था तो मैंने एक टूर्नामेंट में ऐसे ही छोटा सा मैंने 95 स्कोर किया था तो किसी को पता नहीं था अरे पाँच से मिस हो गया हंड्रेड स्कोर करना चाहिए था अरे भाई हंड्रेड स्कोर नहीं करना चाहिए था जितना कम स्कोर करोगे उतना ही अच्छा है उतना अच्छा है तो आ, कितना आपका ट्रेनिंग काफ़ी रहता हो तो कितने घंटे आपका गोल्फ़ कोर्स में ट्रेनिंग रहता है और कितने घंटे गोल्फ रेंज में ट्रेनिंग रहता है जब मैं छोटी थी ड्यूरिंग माई एम ए तो मैं स्कूल जाने से पहले मम्मा मुझे सुबह उठाती थी पाँच बजे और मम्मी बोलती थी सर्दियों में भी पाँच बजे उठती थी हाँ हाँ उड़ चाया करती चाय कैसा भी हो और मम्मी मुझे बेचती थी मतलब लात मार के बेचती थी जाओ आप पार जाओ नीचे और रनिंग करके आ जाओ एक्सरसाइज वगैरह तो मैंने बोला ठीक है मम्मी आप साथ चलो के मम्मी बोलती नहीं जा रनिंग करके आ फिर मैं रनिंग करने के लिए जाया करती एक्सरसाइज किया करती ठीक है फिर घर वापस आके मम्मी बोलती थी मेरे लिए चाय बना लो फिर मैं चाय बनाती थी मम्मी को दे दिया करती फिर बोलती मेडिटेशन कर लो फिर मैं पाँच दस मिनट तक ओम का उच्चारण करती थी फिर मम्मी उठ के मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाती थी दूध पिला के और मुझे स्कूल भेजती थी जब स्कूल की छुट्टी होती थी तो मम्मी मुझे लेने के लिए आ जाया करती अपना लंच वगैरह और मेरा कॉल्फ ड्रेस तैयार करके आ जाया करती और मैं गाड़ी में लंच किया करती और फिर कॉल्फ कोर्स पे जाके ले रही कॉल चेंज करके और मैं शाम तक सात बजे तक कॉल की प्रैक्टिस किया करती फिर मैं घर से वापस आके मेरा होम ट्यूटर होता था वो फिर मैं वन आवर या टू आवर्स तक स्टडी करके फिर मैं सो जाया करती यही मेरा हर रोज रूटीन होता था और अभी आप क्या करते हैं अभी भी कुछ फिजिकल फिटनेस के लिए कुछ अभी करते तो हो? मेरा शेड्यूल काफ़ी हैक्टिक हो okay? गया जो कि मैं प्रोफेशनल हूँ और मेरा टूर्नामेंट हर वीक लगातार होता रहता है और मैं हर डिफरेंट प्लेसेस हर वीक फ्लाइट लेना फिर चेक इन करना और आगे जाके देखना कि कौन सा टूर्नामेंट है लगातार है पैक टू पैक कॉल टूर्नामेंट है तो उसी में मेरा सारा दिन निकल जाता है मतलब कि कॉल कोर्स पे सात घंटे टाइम निकल जाता है उसमें और फिर शाम को आके मैं एक्सरसाइज करती उस, उस... सीजन मेरा होता था दिसंबर या जनवरी तो मैं उसमें थोड़ा बहुत रेस्ट कर लिया करती क्योंकि आई नीड इड टू रिकवर आई नीड टू गिव माई बॉडी ब्रेक After playing back-to-back call -back competitions, hmm. yes, hmm. then फिर उसके बाद मुझे सोना बहुत पसंद था। hmm. I wanted to sleep a lot. <laughs> तो कितने घंटे सोती हो दीक्षा शायद? मैं डिपेंड करता है कि मैं तो first 10 आवर्स सो जाया करती, फिर उठ के एक्सरसाइज किया, फिर जब भी मुझे नींद आती तो दोबारा के सो जाती। आपने बताया कि आप अपनी मम्मी के लिए चाय बनाती थी।

जब मैंने कॉल्फ खेलना शुरू किया था इट वॉज़ माई टैट हु इंट्रोड्यूस मी टू द गेम ऑफ कॉल्व और फिर मैंने थोड़ा बहुत बेसिक्स सीखा था कि कैसे खेलते हैं जब मैंने धीरे धीरे अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया फिर मैं इंडिया के टीम में आ गई थी और इंडियन टीम के लिए अलग से कैंप होता था नेशनल कैंप तो मैं उसमें जाया करती कोचेस होती थी जैसे अनित चांद सर दीपिंदर कुलर और अमनदीप चोल सर भी ये मेरे नेशनल कोच थे नहीं। तो जब भी एशियन गेम कहीं बार इंटरनेशनल टूर्नामेंट तो खेलने के लिए जाते थे लाइक टू रिप्रेजेंट योर कंट्री तो साथ में कोच भी जाया करते तो उनमें से कुछ स्किल और टेक्निक इट वुड हेल्प मी मतलब हेल्प होता था बेनिफिट भी था और दीक्षा जैसे कि आप एक लेफ्ट हैंडर गोल्फर हैं तो लेफ्ट हैंडेड को कुछ इक्विपमेंट्स uh, मिलने में कुछ चैलेंज आता है या कैसे आप उसको चैलेंज को फेस करते सकते बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होता था मतलब कि इट्स नॉट वेरी इजी टू फाइंड लेफ्ट हैंडेड गोल्फ क्लब्स जो कि इंडिया में इतना होता नहीं था चूँकि जहाँ तरह राइट हैंडेड के लोग खेलते थे तो कई बेपी मैं प्रो शॉप में जाया करती पूछती थी आपके पास लेफ्ट हैंड का नहीं है फिर दूसरे वाले शॉप में गए नहीं है तो हर जगह ढूंढा तो नहीं मिलता था लाइक वीवर लक्की की मुझे मिल गया था लेफ्ट हैंड वो मेंस का भी था इट वाज वेरी हैवी तो पापा ने मेरे साइज़ का कटवा लिया था कॉल सेट तो मैं उसी से खेलती थी पर मैंने ये कपी नहीं सोचा था कि ये भारी है ये मेंस का क्लब है मैं बस इतना खुश थी कि मुझे क्लब्स मिल मिल गया है अपने लिए एक अपना यस yes, मिल गया तो बस फिर मैं टैन आई स्टार्टेड प्लेइंग वेरी गुड कॉल फैन थे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स तो बार से भी मंगवा हैंड कॉल क्लब्स 2019 में जब आपने दीक्षा प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की तो आपने पहले इन्वेस्टिक साउथ अफ्रीकन वीमेंस ओपन टूर्नामेंट जीता तो जब पहली बार आपने एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता तो कैसा लगा आपको क्या फीलिंग रही उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा लाइक दैट वॉज इन टू मेरा उस टाइम पोड एग्जाम था मार्च में और टूर्नामेंट था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में तो पापा ने मेरे से पूछा था कि आपको पोड एग्जाम देना है या आपको टूर्नामेंट्स खेलना है क्योंकि अगर आपको ओलंपिक्स खेलना है तो आपको टूर्नामेंट खेलना पड़ेगा क्योंकि उस टाइम ओलंपिक क्वालिफिकेशन स्टार्ट हो गई थी तेन यू हैव टू प्ले टूर्नामेंट्स टू गेन सम गुड पॉइंट्स फिर तब जाके आपकी रैंकिंग बनी की तेन यू विल फॉर द ओलम्पिक्स ट्वेल्थ का बोर्ड था वो टाइम पे हाँ उस टाइम तो टफ था लेकिन मैंने पापा क्या ये टफ है क्या मेरा हो जाएगा पापा ने बोला अपने ऊपर विश्वास करो और बस अपना नॉर्मल गेम खेलो अपने आप हो जाएगा तो मैं खुश हूँ कि ठीक है पापा चलो कॉल्फ खेलने के लिए चलते हैं दैन आई हैपन टू वन इन साउथ अफ्रीका दैन आई रियलाइज की वाओ इट वॉज वर्थ कि मैंने अच्छा वाओ बोर्ड एग्जाम नहीं दिया मतलब कैसी सिचुएशन बदल गई और उसकी वजह से मेरी रैंकिंग अच्छी हो गई थी और काफ़ी सारे टॉप वर्ल्ड क्लास टूर्नामेंट्स उसमें मेरी एंट्री हो गई मेजर बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में तो आई वॉज सो हैप्पी और इंडिया में मेरे फ्रेंड्स कॉल कम्यूनिटी दे वो सो प्राउड ऑफ मी और चीटने के बाद मैंने मम्मा को कॉल किया था आई सोप द टीय ऑफ जॉय मतलब इतनी खुशी हुई मम्मी को बस मजा आ गया पूरा परिवार बहुत खुश रहा होगा जब बहुत नेशनल लेवल पे ये अचीवमेंट हासिल की रिक्षा आपके ब्रदर भी हियरिंग उनको भी हियरिंग का इशू है और वो भी हमने सुना है आपकी तरह एक गोल्फर है तो उन कैसे वो आपके साथ ट्रेन करते हैं या किस तरह से आपको मोटिवेट करते हैं एक इस आपके स्पोर्टिंग करियर में मैंने अपने भाई के साथ गॉल्फ खेलना स्टार्ट किया था और मेरा भाई इतना अच्छा है कि मुझे बोलता था जब मैं कोई टूर्नामेंट खेलने के लिए जाती थी मुझे बोलता था कि अच्छा करना दीक्षा जीतना ठीक है बस अच्छा खेलना मुझे ये सुन के बड़ा अच्छा लगता था कि मेरा भाई बोल रहा है ठीक है मैं खेलती हूँ इतनी अच्छी पॉजिटिव अच्छी वाइब्स आती थी और मैं भाई के साथ कभी कभी बहुत कम टाइम पे खेलती थी चूँकि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था क्योंकि मैं बार टूर्नामेंट्स खेलती हूँ तो भाई के साथ कंपटीशन पटिंग कंपटीशन कॉल कोर्स पे खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता दीक्षा की डाइट में क्या रहता है जैसा आपने बताया कि इतना आपको ट्रैवल करना पड़ता है उतना एक्सरसाइज का भी टाइम नहीं रहता है बैक टू बैक कॉम्पिटिशन है तो नेचुरली है फिट रहने के लिए आपको हेल्दी डाइट लेनी पड़ती होगी एज एन एथलीट तो क्या है दीक्षा की नॉर्मल डाइट में क्या रहता है अभी शुरू में मैंने थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया खाने में मतलब कि मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूजली प्रेफर वेजिटेरियन फूड मुझे इंडियन फूड ज़्यादा पसंद था जब भी मैं बाहर जाती थी आई वुड मिस होम फूड कि मम्मी के खाना मुझे वो खाना है तो दैन आई वुड ट्रैवल तो अभी आई स्टार्टेड ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड चिकन वगैरह ये सारे खाने लगी एग्स वगैरह ब्रेकफास्ट में हेल्थी फूड्स एंड लॉट्स ऑफ सैलड्स ये सारा खाती थी वो जब भी मेरा मन करता था कि मैं इंडियन फूड खाऊंगी दैन आई वुड लुक फॉर द इंडियन रेस्टोरेंट एंड देन हैव शाही पनीर विद बटर नान कुछ ऐसा है जो अभी भी मनाई होती है ड्यूरिंग ट्रेनिंग खाने के लिए कि पहले जीत जाओगे फिर ये खाने को मिलेगा हाँ हाँ ये सोचा था मैंने कि अच्छा परफॉर्म करोगे अगर तुम टॉप टेन खत्म करोगे अगर आप ये टारगेट रखोगे इफ़ यू फिनिश इट विद सक्सेस दैन यू कैट टू सेलिब्रेट और सेलिब्रेशन में क्या आइसक्रीम आइसक्रीम हाँ हाँ आइसक्रीम <laughs> और वो भी यस दीक्षा आप इतने सारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन जीत चुकी हो नेचुरली ये सारे कॉम्पिटिशन्स काफ़ी हाई स्टेक रहते हैं तो कैसे वो टाइम पे आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को गैदर करती हो कैसे एकदम फोकस रहती हो वो टाइम एक्चुअली इट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा आप टूर्नामेंट्स खेलोगे जितना ज़्यादा आप कॉम्पिटिशन में गुजोगे तैन यू कैट टू नो अबाउट यूर सेल्फ कि मैंने ये सोचा है कि टू मच प्रेशर इज़ नॉट गुड फॉर यू इज़ नो यूज आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है तो मैंने इस तरह से मैंने अपने माइंड को ट्रेन किया बेफूफ बनाया है, है कि ये कंपटीशन नहीं है बस इंजॉय करो ये सबसे अच्छा तरीका है कि कॉम्पिटिशन नहीं है यहाँ पर मुझे बस अपना नेचुरल बस खेल खेलना है यस yes, राइट right. मुझे उम्मीद है ये टिप्स हमारे सभी एथलीट्स के लिए बहुत काम करेगा आपके इतने सारे आपने कॉम्पटिशन्स में आपने इतनी जगह ट्रैवल किया तो कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट जो आपको याद रहा और आपने घर आके उसके ऊपर खूब हंसा हाँ मेरे साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है कि टोक्यो ओलंपिक्स के लिए मुझे फ्लाइट पकड़नी थी मुझे जाना था तो मेरा टूर्नामेंट था आयरलैंड में आई वॉज प्लेइंग द टूर्नामेंट फिर फिर मैं आयरलैंड से टू तो द लंडन चली गई थी एंड आई वॉज वेटिंग इन द लॉन्ग क्यू तो उन्होंने मुझे बिजनेस लॉन्च में भेज दिया था सो आई वेंट टू द बिजनेस लॉन्च एंड आई वॉज सिटिंग वाओ काफ़ी सारे खाना है सो फैंसी तो मैं उसमें मैं खो गई थी एंड ऑन द टी वी स्क्रीन आई वॉज लुकिंग फॉर द गेट नंबर मैंने देखा कि आप इधर गेट आया नहीं चलो मैं आराम कर लेती हूँ मैं चिल करती हूँ तो फिर वो स्क्रीन पे फाइनल कॉल लिखा हुआ था उस पर और मुझे छटका लगा कि ये क्या कर रही हूँ मैं और मैंने फटाफट अपना फ़ोन चार्ज पैक में डाला और सूट केस छोटा सा लेकिन मैं भागी वहाँ से मैं भागी भागी और मैंने लिफ्ट के अंदर घुसी फिर मैं नीचे गई और मैंने ट्रेन को पकड़ा क्योंकि मुझे नेक्स्ट टर्मिनल पे पहुंचना है फिर मैं ऐसे भागी लकीली सही टाइम पे ट्रेन पहुंच गई थी और परफेक्ट टाइम पे खुल गई थी और मैं अंदर चली गई एंड अब वो स्टैंडिंग थे अब वो शेकिंग मेरे हाथ पैर काँप रही थी

आई डोंट वॉन्ट टू मिस दैट अपॉर्चुनिटी मतलब एक सांस के लिए भी नहीं रुकी मैं तोड़ती रही फिर मैं वापस गेट पहुँची कोई नहीं था सब कुछ खाली था एंड देवो से स्टाफ स्टैंडिंग के पूछ रहा था रिलैक्स मैम यू आर ऑन टाइम टॉन बरी वी हैव इनफ टाइम मैंने सोचा कि सच में इनफ uh, टाइम है नहीं ऐसे तो बोलते हूँ कि आराम करने के लिए ऐसे तो हो ही नहीं सकता खाली था तो मैं अंदर घुनसी मेरी सांस रुकी नहीं रही थी सांस इतना चढ़ गया था वेरी थ्रिल एक्सपीरियंस गोल्फ के अलावा और क्या आपको कुछ क्या हॉबीज है गोल्फ के अलावा होलीडिंग फैमिली एंड ऑल्सो रीडिंग एंड घूमने गई हो फैमिली के, के साथ मैं पोर्ट प्लेयर गई हूँ और अजंता एलोरा एंड ऑल्सो अपर लास्ट ईयर कुल्लू मनाली तो घूमना पसंद है फैमिली के साथ और क्या हॉबी है मुझे और गाना सुनना पसंद है किस तरह का म्यूजिक मिक्स सुनती हूँ इंग्लिश एंड हिंदी सॉन्ग पॉप सॉन्ग्स स्लो पॉप सॉन्ग्स और फ्रेंड्स के साथ घूमना मॉल जाना मूवीज़ देखना ये मुझे आई वॉन्ट आई रियली वॉन्टेड टू को विथ माई फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड्स मेरे से पूछते थे कि दीक्षा कब आएगी इंडिया कब आएगी तो जब भी मैं इंडिया में होती हूँ तो मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं कि चल वहाँ उस रेस्टोरेंट में चलते हैं फिर मैं जवाब देती हूँ सॉरी आई एम आउट ऑफ कंट्री आई एम नॉट अवेलेबल इन इंडिया और वैसे मेरे मॉम टैट मुझे ज़्यादा अलाउ नहीं करते बाहर जाने के लिए मेरे पापा मम्मी अब थोड़ा सा स्ट्रिक है कि बोलते हैं कि अपना पहले कैरियर बनाओ फिर बाद में जो मजे करना है तो कर लो माँ बाप आपके अच्छे के लिए ही बोलते हैं देखिए आज उनकी एडवाइस से आप एक इंटरनेशनल एथलीट हो और पूरे विश्व आपको जानता है एज ए पर हाँ हाँ पापा मुझे बहुत चाहते हैं जो मेरा सपना है वो भी मेरे माँ बाप का भी सपना है अच्छा आज बहुत सारे एथलीट्स आपको सुन रहे हैं तो इतने सारे एथलीट्स यंग एथलीट्स जो एक किसी भी स्पोर्ट को एज ए करियर लेना चाहते हैं उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी मैम उनको ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि जो भी आपका सपना है जो भी आपका गोल है अपने तन मन से अपना पूरा फोकस उसी में टालना लेकिन इतना ज़्यादा मेहनत मत करो कि चौबीस घंटे इतना लगातार करनी है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल एक्टिविटीज एंड इट ऑन रेगुलर डे जब आप रेगुलर करते हो हैबिट गुड हैबिट फॉर यू देन यू गेट यूज टू इट फिर आपका माइंड सेट वही हो जाता है कि आपकी आदत हो गई है कि सुबह उठने की आदत हो गई है ट्रेनिंग करने की आदत हो गई है एक्सरसाइज करने की आदत हो गई है देन स्लोली स्लोली इट विल हेल्प यू टू सम सक्सेस आपके गोल्फ करियर में ऐसा आपका कोई सपना जो अभी अधूरा है और अभी आपको पूरा करना है हाँ मेरा सपना है कि मैं एल टूर्नामेंट्स खेलना चाहती हूँ और वो भी वर्ल्ड के टॉप फिफ्टी में भी आना चाहती हूँ मैं और मैं अपनी देश का नाम भी रोशन करना चाहती हूँ और आने वाले जो ओलंपिक्स है उसके लिए तैयारी भी कर रही हूँ ओलंपिक्स के लिए तैयारी अच्छी चल रही है ओलंपिक्स के लिए ये तैयारी चल रही है कि मैं टूर्नामेंट्स खेल रही हूँ लगातार और साथ में उसी में मैं अपना डिसिप्लिन और अपना रूटीन और प्रोसेस के ऊपर फोकस करूँगी और अपना टिस्टेंस और स्ट्रेंथनिंग के ऊपर वर्क करूँगी एंड आई विल टेक इट एज की मेरा हर टूर्नामेंट ओलंपिक्स है बहुत अच्छा हर टूर्नामेंट ओलंपिक्स है yes. ठीक बहुत बढ़िया दीक्षा आपका कोई रोल मॉडल है स्पोर्टिंग करियर में या अदरवाइज कोई पर्सनैलिटी जो आपका एक रोल मॉडल हो अ, मेरा रोल मॉडल है चोकोविक

आप हूं तो दैट्स योर रोल मॉडल यस दैट्स माय रोल मॉडल बहुत-बहुत धन्यवाद दीक्षा आपका फिट इंडिया चैंपियंस पॉडकास्ट पर हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू तो कैसे एक शॉट खेलते हैं हमें मुझे सिखाएंगे दीक्षा कैसे पकड़ते हैं और कैसे करते हैं जैसे ये पटल है इसका सेटअप अलग होता है तंत्र ये जो मेरे हाथ में है इसको कैसे मुझे पकड़ना है? इसको ऐसे पकड़ते हैं जैसे ये पकड़ लिया लेफ्ट हैंड से जैसे आपका right राइट हैंड okay. right से तो मेरा ये ओके राइट हैंड से राइट और ये पटर को किसी तरह से पकड़ लो ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो अलग अलग टाइप के ट्रिक होते हैं लेकिन ये जो आर एम्स है ना इनका एक ही अलग ट्रिक होता है अच्छा ये लाइन जो पानी है ना हाँ इससे एम करना है ओके okay. तो ओके okay. और हाथ से ऐसे पकड़ना है नहीं ये बॉल दोनों तो फीट के बीच में होना चाहिए okay, तो ओके दोनों फीट के बीच में होना चाहिए और थोड़ा सा आगे बस ओके थैंक यू दीक्षा फिट इंडिया चैंपियंस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज